ये समय चल रहा है चने और मसूर की फसल की कटाई का, और साथ ही तैयारी हो रही है गेहूं की फसल की कटाई की। तो ये जो आप खेत देख रहे हैं, इसमें चना कट चुका है, थ्रेसिंग उसकी हो चुकी है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ ग्रामीण महिलाएं ये जो थोड़े चने बच जाते हैं, जो थ्रेसिंग में नहीं आ पाते हैं या कटने में नहीं आ पाते हैं, तो जो थोड़े बहुत चने बच जाते हैं उनको ये इकट्ठे करके और अपने घर ले जाने का काम कर रही हैं। तो इन महिलाओं से किसान को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, जबकि मेरा विचार तो ये है कि आपका जब खेत कट जाए और थ्रेसिंग हो जाए, तो आप ग्रामीण जो लोग हैं, जो थोड़े निर्धन वर्ग से होते हैं, उनको आप जरूर बुलाएं और उनको बुला करके इसमें जो जो दाने बचते हैं उनको इकट्ठा करने का काम उन्हें दे दें, क्योंकि ये निशुल्क करते हैं और ये दाने इनके काम आ जाते हैं। भी है और भूसा के साथ साथ थोड़े बहुत बचे हुए दाने भी रहते हैं, तो ये दानों को साफ भी कर लेना चाहिए। साफ करने के लिए आप देख रहे हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से कुछ महिलाएं आई हैं जो कि ये दाने उठा रही हैं, उससे किसानों को भी लाभ है और इन महिलाओं को भी थोड़ा लाभ हो जाता है। जब हम चने की या गेहूं की फसल के बाद गर्मियों में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती अगर करते हैं, तो ऐसे में ये दाने हमारे खेत पर बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि जब हम मूंग की खेती करने के पहले पलेवा यदि करते हैं, तो पलेवा के बाद ये जो दाने हैं कहीं ना कहीं इन दानों में से कुछ दाने उग जाते हैं, जो कि हमारी मूंग की फसल को भी दिक्कत देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि यदि आपके खेत में चने की कटाई हो गई और कटाई के बाद थ्रेसिंग भी हो गई है, तो इस प्रकार आप कुछ ग्रामीण वासियों से निवेदन करके इस प्रकार आपके ये दाने उठवा लीजिए, जिससे आपको दो तरफा फायदा होगा। एक जो कि हमने आपको बताया कि जब आप पलेवा करेंगे तो ये दाने आपके नहीं उगेंगे, अगर ये ज़मीन पे होंगे तो निश्चित तौर पे इनको पानी मिलेगा तो ये फिर से उग सकते हैं, और जो आपकी आने वाली मूंग की फसल है उसमें दिक्कत दे सकते हैं। तो ये खरपतवार का काम आपका करेंगे, तो इस खरपतवार को आप अभी से हटा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएँ ये दाने उठा रही हैं, और ये दाने से इनको फ़ायदा ये है कि इन ये दाने इनके घर में काम आ जाते हैं, और किसान को फ़ायदा ये होता है कि किसान के खेत से ये दाने चले जाते हैं, जिससे किसी प्रकार का खरपतवार उग नहीं पाता। क्योंकि किसान को तो अब जो फसल मिलना थी वो चली गई है ट्राली के माध्यम से और थ्रेसिंग के माध्यम से, अब ये दाने तो वैसे भी किसी काम के नहीं थे, लेकिन किसी न किसी के काम आ सकें ये दाने तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।